everyone, welcome or welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Anshika and this is part number 4 of self-portrait series. तो ये सीरीज मैंने अभी अपने चैनल पे स्टार्ट की थी कॉल्ड अ सेल्फ पोर्ट्रेट सीरीज, जिसमें मैं सेल्फ पोर्ट्रेट, होम फोटोग्राफी, होम फोटोशूट आइडियाज के बारे में डिस्कस करती हूँ. एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसे आइडिया जो आपको हेल्प कर सकते हैं घर में रहकर फोटोशूट करने के लिए. तो ये ऑलरेडी मैंने फोटोज अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये फोटोज मैंने कैसे ली. तो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो इसके पहले मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे अपलोड की हुई है अपने चैनल पे. तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आपको लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. फॉर द वेरी फर्स्ट फोटोशूट आपको चाहिए पड़ेगा एक सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप का एक बॉक्स. तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का बॉक्स यूज करा था एंड वो आपको अटैच करना है अपने मोबाइल के पीछे जो फ्लैश लाइट रहती है वहां वाले सेक्शन में. जैसे ही आप उसे अटैच करने के बाद ऑन करेंगे लाइट, तो आपको एक स्क्वायर सा या फिर सर्कुलर शेप आपको एक वॉल पे मिल जाएगा. तो एक बहुत अच्छा सा फोकस इफेक्ट मिलेगा आपको. आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पोज देना है. एंड ऑल्सो अगर आपके पास 2 फोन है तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 फोन से करा था. एक में मैंने फ्लैश लाइट पे वो अटैच कर दिया था और दूसरे फोन से मैं फोटोज क्लिक कर रही थी, तो वो मुझे ज्यादा इजी लगा एज कम्पेयर टू अगर हम सिंगल फोन का यूज करते हैं. बट आपके पास अगर 1 फोन है तो भी आपका ये फोटोशूट हो जाएगा. इंस्टाग्राम पे तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. इसको सिर्फ आपको 4 से 5 आपको दुपट्टे चाहिए. तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी IGTV पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो या जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. तो वहां पे मैंने ऑलरेडी दिखाया था कि आपको कैसे ये मतलब दुपट्टा वगैरह अटैच करना है. आपको नीचे स्कर्ट पहनना है सो देट की वो ज्यादा फ्रिल नजर आए. अदरवाइज अगर आप नॉर्मल पैंट वगैरह यूज करेंगे तो उसमें वो लुक नहीं आएगा. सो ये स्कर्ट के ऊपर मैंने दुपट्टा वगैरह अरेंज करने के बाद, अटैच करने के बाद, फिर वहां पे मैंने एक फ्लावर मतलब वो यूज करा था शोकेस करने के लिए. और आपको थोड़ा सा स्टूल पे खड़ा होना पड़ेगा, मेरी ऑलरेडी टेरेस पे एक बना हुआ है तो मैंने उस पर खड़ी हो गई थी. और फिर वहां से नीचे से आपको ऊपर साइड कैमरा करके क्लिक करना है. तो मैंने यहाँ पे मतलब मेरी फ्रेंड की हेल्प ली थी एंड उसके बाद जो रिजल्ट्स मिले थे मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे. आप सबसे ज्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपने जीन्स निकालना है, जमीन पर रख देना है और उस पर लेट जाना है. मतलब ये आपका सबसे इजी फोटोशूट होगा घर का. आपके पास जो भी जितने भी डेनिम्स हैं आपको निकाल के रख लेना है. मैंने ये जमीन पे करा था. अगर आप चाहें तो ये बेड पे भी कर सकते हैं, बट फिर वो है कि कैमरा अटैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो मैंने अपनी जमीन पे सारे अपने जीन्स निकाल के रख दिए थे. उस पर आपको लेट जाना है और उसके बाद अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है घर में तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इजी बढ़ेगा. बट मेरे साथ कोई भी नहीं था उस दिन, तो या मैंने ट्राईपॉड पर रखकर फिर मतलब थोड़ा स्टैंड ऊपर करके नीचे करके आपको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं. बचपन में लगाते थे तो उसकी जो आर्टिफिशियल लीव्स और फ्लावर्स रहते थे वो मैंने निकाल दिए थे और उसमें ओरिजिनल लीव्स लगाए थे. तो मुझे अपने गार्डन में से ये ओरिजिनल लीव्स मिल गए थे, उसको मैंने टेप से अटैच करके वो टियारा जो था वो पूरा ओरिजिनल लीव से डेकोरेट कर दिया था. और उसके बाद आप यूज कर सकते वो टियारा को अपने सर पर तो कर ही सकते हैं, बट आप जब वो कैमरे के पास लेके जाएंगे तो वो टियारा ऐसे आउटर लेयर दिखेगा और उसके अंदर आपका फेस दिखेगा, तो वो बहुत प्यारा लगता है. आप फोटोज में देख सकते हैं कि ये कैसा लगता है. Thank you.
बहुत ज्यादा इजी है, आपको चाहिए पड़ेंगी बस कुछ कार्ड शीट्स। तो मेरे पास 5 कार्ड शीट्स अवेलेबल है, दैट इज येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। तो ये 5 कार्ड शीट्स मेरे पास हैं और उसको मैं यूज करती हूँ एज अ बैकग्राउंड। तो आप दो तरीके से बैकग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हैं कार्ड शीट से। एक तो नॉर्मल बैकग्राउंड जो हम सामने आप देख रहे होंगे अलमीरा पे, मैं इसी पे अटैच कर देती हूँ। तो ये आप एज अ वॉल पे स्टिक कर सकते हैं कार्ड शीट्स को। अलग अलग कलर की कार्ड शीट आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपका एक बहुत प्यारा बैकग्राउंड क्रिएट हो सकता है। ऑल्सो आप जमीन पे भी रख सकते हैं कार्ड शीट को और उसके ऊपर आप लेट जाइए, फिर आप जैसे आप डेनिम फोटोग्राफी आपने देखी सेम वैसा ही शूट है। आपको बस कैमरा ऊपर करके लेट के आपको पोज देना है। मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड का यूज करा था। अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो ज्यादा इजी पड़ेगा, बट अगर आप लेट के फोटो शूट करते हैं तो आपकी फोटो बहुत ही ज्यादा क्लासिक आती है। आप आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट फोटो शूट इज ऑल अबाउट एडिटिंग। आपको सिर्फ चाहिए पड़ेगा एक ब्रश, यस पेंट ब्रश, और आपको उसे अपने तरीके से मतलब पोज देना है। तो मैंने यहाँ पे सामने आईज के सामने वो ब्रश पकड़ा था। आप हाफ फेस या फिर आप आईज के अंडर में या क्रॉस में जिस तरीके से भी आप ब्रश पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ सकते हैं। और आपको पिक साइड से वो फोटो एडिट करनी है, तो एडिटिंग मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा आपको वीडियो शो कर दूंगी कि आपको कैसे एडिट करनी है। बहुत ही ज्यादा इजी है और वो बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है कि पूरी फोटो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बस जहाँ पे आपने ब्रश चलाया है वो बस कलरफुल है, तो वो बहुत प्यारा लगता है। आइडिया, आपको सब कुछ बेसिक रखना है, सब कुछ नॉर्मल रखना है और फिर एक ऐसा एलिमेंट जोड़ना है उस फोटो में जिससे आपकी वो फोटो और ज्यादा हाईलाइट हो सके। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मैंने क्या किया था कि पीछे का जो बैकग्राउंड रखा था वो मैंने प्योर व्हाइट रखा था, प्लस मेरा जो आउटफिट था वो भी मैंने व्हाइट रखा था, और जो एलिमेंट मैंने ऐड किया था वो था एक लीफ, यस पत्ती। आपको गार्डन में या फिर अपने घर में कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल अगर मिल सके तो वो ज्यादा अच्छी होगी। तो मैंने एक बड़ी सी लीफ यूज करी थी, उससे आपको सिर्फ पोज देना। आप एक बड़ा सा फ्लावर यूज कर सकते हैं, उससे वो फोटो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। आप फोटोज देख सकते हैं मैंने किस किस तरीके से उस लीफ को यूज करा था और किस कैसी मेरी पिक्चर्स आई है। सोया this video, and if you like this video then please like this video and share this videos with your friends and families, and also tell me in the comment section what videos you want so that I can create more videos for you guys. And yeah, see you in my next video. Bye bye. Till then, stay home and stay positive. Bye.